तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं दो स्मार्ट वॉचेस को, और दो है हमारे पास मोबाइल स्टैंड या रिंग लाइट स्टैंड। तो ये वो स्टैंड है जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाए थे, तीन स्टैंड मैंने मंगवाए थे और एक रिंग लाइट मंगवाई थी। तो तीन स्टैंड कम थे तो इसलिए दो मैंने और मंगवा लिए बैकअप के लिए। तो आज हम इनको अनबॉक्स करेंगे और आपको इनकी क्वालिटी वगैरह दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान दीप, आप देख रहे हैं दीप टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो ये रहा हमारा पार्सल, तो ये वही पार्सल है जो पिछली वीडियो में आपने देखा है, जो कि ओएलएक्स से हमने मंगवाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनको लैदा कर लेता हूँ। तो ये है हमारी दो स्मार्ट वॉचेस, तो इनको सबसे बाद में देखेंगे। तो पहले हम अपने स्टैंड को ओपन करके देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे दोनों स्टैंड। तो ये नॉर्मल से स्टैंड है, कोई इतने हैवी स्टैंड नहीं है, लेकिन मेरा काम इनसे चल जाता है तो इसलिए मैंने दो और मंगवा लिए। तो लेकिन हमारे पास ये वाला एक स्टैंड टूटा हुआ निकला, जैसे पिछली बार भी एक चीज़ मिस थी, तो इस बार भी कोई ना कोई यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ गई है। तो ये तो बिल्कुल ही टूट गया यहाँ पर, इसकी प्लास्कट का जो नीचे से पकड़ने वाला होता है। तो ये स्टैंड की क्वालिटी मुझे थोड़ी सी हल्की लग रही है पहले वालों से, और इन ये है भी थोड़े से उस तरह के। तो जो पहले स्टैंड थे वो थोड़े इससे थोड़े से हैवी थे, तो उनकी क्वालिटी थोड़ी सी इनसे बेहतर थी। तो ये तो वैसे ये सारे टेढ़े हुए खड़े हैं, देखते हैं पहले से। तो ये रहे हमारे स्टैंड, तो स्टैंड मुझे सही मिल रहे थे इसलिए मैंने वहाँ से परचेज़ किए हैं। तो मैंने यहाँ से रेट का पता किया था, यहाँ से हमें तकरीबन 800 850 के मिल रहे थे, लेकिन मुझे ये 550 या 600 के तकरीबन मिल गए। तो ये हमारे स्टैंड है, तो इनको करते हैं साइड पे। और ये है हमारी स्मार्ट वॉच, तो हमारा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा टोटल जो बिल बना था। तो ये है मुल्तान से आता है, ये असल में करते क्या हैं लोगों के, कहीं से चीज़ें परचेज़ करके ऑनलाइन कहीं पे डिलीवर कर देते हैं, ना इनकी खुद की चीज़ें होती हैं ना और, तो इसलिए ये इस तरह के मसले आते रहते हैं। जैसे पिछली भी वीडियो में भी मसला आया था कि रिंग लाइट मुझे और दे दी गई थी, तो इस वीडियो में भी ये देख सकते हैं कि ये स्टैंड इस बार और क्वालिटी के आए हुए हैं। तो अब हम अपने जो है ये वॉचेस ओपन करके देखते हैं कि इनका क्या हिसाब किताब है। तो ये हैं हमारे पास दो वॉचेस जो कि T500 हैं। तो ये मैंने दो कलर में मंगवाई थी, एक ब्लैक और एक ब्लैक थी और एक किसी और कलर में थी। तो हम इनको ओपन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रही हमारी वो दो वॉचेस, एक ब्लैक है और एक आपके पास यहाँ पे पिंक सा कलर है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे हम इनको ऑन वगैरह करके, या पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। इसमें हमारे पास एक वॉच है जो कि थोड़ी सी हैवी है, और इसके दो स्ट्रैप्स हैं जो कि आप इनको चेंज भी करवा सकते हो। तो वॉच तो मुझे सही लग रही है मुझे, और इसके अंदर हमारे पास एक यूज़र मैनुअल है और एक हमारे पास चार्जर है। तो इसको हम साइड पे निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरी वॉच के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास दूसरी वॉच में भी एक वॉच है, डायल है, और उसके दो यहाँ पे स्ट्रैप हैं, और उसके साथ हमारे पास यहाँ पे उसका चार्जर है। तो यहाँ पे हम वॉच को ऑन करके देखते हैं, यहाँ पे हम इसके स्ट्रैप जो
पेपर वगैरह है वो उतार देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले, इसमें एक के हमारे पास डायल और दिखाया गया, एक पे और दिखाया गया। हम इसको ओपन कर लेते हैं और इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। अगर तो इसमें बैटरी वगैरह हुई तो ये ओपन हो जाएगी, वरना इसको हमें चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये ऑन नहीं हो रही, और दूसरी हम देख लेते हैं ये ऑन होती है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही वॉचेज ऑन नहीं हो रही, तो मैं ये ऑन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये जो स्टैप वगैरह हैं ये आप चेंज भी कर सकते हैं, जैसा कि एप्पल वॉच वगैरह के आते हैं जो मैग्नेट वाले, वो भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसान से यहाँ पे आप इनको रिमूव करके न्यू लगा सकते हैं। तो अब हम इनको चार्ज पे लगा के देखते हैं कोई ये क्या चार्ज होती हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारी दोनों वॉचेस ऑन हो चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं सारा आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, तो फिर बता देता हूँ। यहाँ पे एक साइड पे आपको दो सिंगल स्पीकर देखने को मिल जाता है, और चार्जिंग पोर्ट है यहाँ पे बैक साइड पे, और सेंसर है यहाँ पे हार्ट बीट वाला, और यहाँ पे पावर ऑन बटन है, साथ माइक है, साथ बैक बटन है, और ये इस तरह से है। तो यहाँ पे हम सिंगल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये ओपन हो जाती है। ओपन होने के बाद यहाँ पे इसका ये, अगर आप इस साइड को स्लाइड करोगे तो ये इसके डायलर हैं। तो इस वॉच में डायलर थोड़े अच्छे हैं, जबकि इस वॉच में डायलर इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसमें आप देख सकते हो ये सेम डायलर है, पर उसमें काम में एनिमेशन है, और उसमें एनिमेशन के बगैर इसकी कलरिंग भी अच्छी है, इसकी कलरिंग अच्छी नहीं है। अब ये वजह पता नहीं क्या है, सेम मॉडल है, बस कलर का फ़र्क है, लेकिन इसके जो थीम वगैरह सारा कुछ डिफरेंट है। जैसा कि आप इसी को लगा लो तो यहाँ पर ये देखो, ये प्यारा लग रहा है, कलरफुल, और ये यहाँ पर बिल्कुल हल्का सा लो सा कलर है। तो आप देख सकते हो इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर आप इस तरह नीचे को स्लाइड करते हो, अगर आप इस तरह स्लाइड करते हो नीचे को, तो आपके पास ये चीज़ें आ जाती है, जिसमें आप इसमें कॉल कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ पे, उसके बाद रिकॉर्डिंग है, वॉइस है, म्यूज़िक है, स्टेप है, और इसके बाद ऐप को डाउनलोड करने के लिए QR कोड है। और अगर आप नीचे से ऊपर को करते हो तो आपके पास सारे ऐप आ जाते हैं, जिससे आप कैमरा वगैरह, वेदर, ऑन ऑफ और वर्जन, इसका सारा कुछ चेक कर सकते हो इसके अंदर। तो हर तरह के नोटिफिकेशन इसके अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। तो बैक करने के लिए यहाँ पे ये बटन है, और बंद करने के लिए ये वाला है। तो बस इसमें यही था इन वॉचेस में। तो ये सारे क्लोन होते हैं, सिर्फ टेम्परेरी वॉचेस होती हैं टाइम वगैरह देखने के लिए, ये कोई प्रोफेशनल नहीं होती। तो इसमें आप देख सकते हो इस तरह से एनिमेशन इसमें एक दो है, लेकिन इसकी डिस्प्ले कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं है जितना उसका है, लेकिन उसका कलर हो रहा है। तो हालांकि दोनों है एक ही चीज़ है, T500 है, तो यही है इन वॉचेज में। तो ये मैंने चार्ज की है, सुबह 1% चार्ज थी और पूरा दिन निकाल दिया था इसने 1% पे। तो मैंने कनेक्ट भी नहीं किया था, तो कनेक्ट करना भी बहुत आसान है। इसका ब्लूटूथ ऑटो ऑन होता है, बस आपने इसका जो ऐप जो है वो QR कोड स्कैन करके, तो आपने क्या करना है कि उसको ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेना है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। बाकी स्टैंड का आपको दिखा दिया, स्टैंड भी यहाँ पे नॉर्मल क्वालिटी के हैं, बाकी ये इतने हैवी स्टैंड नहीं होते, लेकिन ये काम दे जाते हैं अगर आप मोबाइल या रिंग लाइट वगैरह या इस तरह की छोटी लाइटें वगैरह टिकाने के लिए या आगे पीछे करने के लिए अगर आप लेना चाह रहे हो, तो ये उसके लिए इनफ है। तो मेरे काम आ गए हैं, तो मुझे जितनी ज़रूरत थी, मेरे पास इतनी हैवी लाइटें नहीं है, मैंने खुद बनाई हुई हैं सारी लाइटें, तो उनका इतना वज़न नहीं है, तो वो ये बर्दाश्त कर जाते हैं, तो मेरे लिए ये काफ़ी हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। तो अगर आपने ये चीज़ें वगैरह मंगानी हो तो आप OLX पे सर्च कर सकते हो, जहाँ से मैंने परचेज़ किया, मैं उसका लिंक वगैरह दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। तो जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, तो बाकी आपकी किस्मत है। जैसा कि मैंने इस भाई से दो तीन बार चीज़ें मंगवाई हैं, लेकिन
तो ये किस तरह की आ रही हैं तो वो मैंने आपको इस सब वीडियो में बता दिया है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।